ज़माने का। अच्छा अच्छा तो महाराजा जो हैं द्वितीय महाराजा थे बैरीसाल महाराजा। अच्छा अच्छा उन्हीं का नियुक्त किया हुआ है इस मंदिर और यहाँ पर हम लोग को पुजारी में नियुक्त किए हुए हैं। अच्छा हम लोग का चौथा पीढ़ी चल रहा है। पहले हमारे परदादा जी थे सुदर्शन नाथ पंडा, उसके बाद गोपीनाथ पंडा मेरे दादाजी। अच्छा अच्छा और तीसरा मेरे मेरे पिताजी सिकर पंडा और चौथा मध्य यहाँ का पुजारी महाराज पंडा। पुजारी में हम लोग यहाँ पर जो अभी गाछ जो देख रहे हैं, ठीक है, ये गुलची का गाछ, गुलची का गाछ 150 पुराना गाछ है। अच्छा ये 150 पुराना गाछ है, 100 वर्ष का है गाछ। अच्छा और बाबा जगह तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मतलब कि 150 वर्ष के ये पुराने गुलची पेड़ का पौधा है। तो मैं आपको अभी कुछ देर में बतलाने वाला हूँ, कुछ देर बात कर लेते हैं आप पंडित जी से, जो हमारे लोहरदगा भंडरा क्षेत्र का समीप मंदिर है, जो कितने शताब्दी का, नवा शताब्दी का हज़ार वर्ष पुराने मंदिर है। पुरी का निर्माण जो हुआ था उस टाइम का निर्माण है। अच्छा, तो पुरी में जब निर्माण हुई थी हमारे भुवनेश्वर, ये पुरी होता है ना, वहाँ पे निर्माण हुई थी, उस मंदिर का समय का ये मंदिर है। तो आइए उस बात को लेकर के हम लोग जानकारी कुछ हासिल करें यहाँ बारे में, और लोहरदगा का मान मर्यादा सम्मान बढ़ावे। बाबा जगह जो भी मनोकामना लोग करता है, अच्छा, चाहे सर्विस हो, चाहे तबीयत खराब हो, अच्छा, या बाल बच्चा नहीं हो रहा है, आलिंगन करता है बाबा भोलेनाथ को। अच्छा, तो बाबा मनोकामना जो है सो पूर्ण करते हैं। मतलब कि बोल रहे हैं पंडित जी की जैसे शिवलिंग है शिव जी का, तो उनको हम लोग को इस तरह से मतलब पकड़ लेना, अगर ये पकड़ने के बाद क्या मनोकामना पूर्ण होता है, जिसका ये हाथ दोनों टच हो जाता है उनका मनोकामना एकदम पूरा होता है यहाँ आने के बाद। ये नहीं कि नहीं होगा, सो बात नहीं, होना ही होना है। तो और आगे की जानकारी ले लेते थोड़ी सी लीजिए पंडित जी। यही सब है बाबा जगह। अच्छा, सर्व मनोकामना पूर्ण होता है। अच्छा अच्छा, ये तो आपका कसपुर गांव में है। कसपुर, कसपुर भंडरा, इसको कसपुर बोलते हैं, मैंने बस्ती अलग है, प्रखंड सब भंडरे का है, पंचायत पंचायत ब्लॉक सब भंडरे है, मतलब बस्ती अलग निकला हुआ है। अच्छा अच्छा, तो लोगों सब भंडरे के नाम से इसको जानता है, भंडरा अखिलेश्वर धाम, अखिलेश्वर धाम। हाँ अच्छा अच्छा, इसको कौशलपुर बोला जाता है, कौशलपुर पहले कौशिला रानी जो है। अच्छा अच्छा, कौशिला रानी के नाम से स्थापित हुआ है। तो वहाँ जो कौशिला रानी थे, अच्छा अच्छा, तो उन्हीं का ये किया हुआ है मंदिर। अच्छा, तो तृतीय महाराजा जो था बैरीसाल महाराजा, अच्छा, उन्होंने निर्माण किया हुआ है। पहले गढ़ था यहाँ पर कौशल्या महारानी का। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर न मंदिर है, बाबा तो अपने निकले हैं, बाबा को तो हम लोग जो सुने हैं सो बता रहे हैं, बाबा अखिलेश्वर भोलेनाथ अपने निकले हुए हैं। अगल बगल में है, यहाँ पर भी एक डुमरिया मठ बोलते हैं, वहाँ पर भी एक मंदिर है, जोड़ा तालाब। अच्छा अच्छा, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मान्यता यही का है, लोहरदगा जिला के पर्यटक स्थल में भी ले लिया गया है मंदिर को। अच्छा, सभी तो काम में शुरू हुआ है, चल ही रहा है, मतलब काम चल रहा है। बड़े बड़े साहब लोग बराबर यहाँ पर पहुँचते हैं, जो है सो खतियानी मंदिर है। अच्छा, सब तीन तक खतियान पंडित जी, आप तो बहुत बतला दिए ने, इतना काफ़ी हम लोग लोहरदगा के लिए मतलब चर्चित फैलाने के लिए कि यहाँ पे भी मंदिर है, कोई जनता तक नहीं है। यहाँ मेरा बात रहा कि मैं बाहर पर रहता हूँ, तो मतलब कि ये दिखना चाहिए, बहुत सा कम चैनल हो मतलब कि जहाँ दिखा होगा। एक से दो बार मैं सर्च मारने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, इस मंदिर का मतलब विस्तारित रूप से मतलब दिखाया गया, जो नहीं देख पाता हुआ, तो वो चीज़ इस बार फाइनली दिखाना है। यहाँ आते हैं द्वितीया के दिन, नीचे जो है मौसी बाड़ी एक तो है। अच्छा अच्छा, मौसी बाड़ी वहाँ तो द्वितीया के दिन आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी भंडरा से, और एकादशी के दिन यहाँ से लौटते हैं, मेला लगता है, तीन दिन आप चलती है। अच्छा, और शिवरात्रि दिन भी यहाँ भीड़ भाड़ रहता है, जैसे कुछ शादी विवाह भी यहाँ पर होता है। अभी तो सरकार रोक दिया है, हाँ अभी तो रोक लगा है कोरोना वायरस का लेकर के, पूजा उजा करके बंद करने का आदेश है। अच्छा अच्छा, हजार यात्री को दो चार कष्ट दे दिया।
नहीं रहेगा, अभी तो लॉकडाउन में COVID-19 के लेकर मतलब कोई आ नहीं रहा है जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पर मतलब कि 150 पुराने गुलेची का पेड़ है, तो आप आइए देखिए इस पेड़ को, मैं दिखाता हूँ आपको बाबा का कितना शोभा बढ़ाया हुआ है, देख रहे हैं। अच्छा देखिए, ये रही गुलेची का पेड़ जो 150 वर्ष पुरानी है। आइए हम आपको दिखाते हैं मंदिर के, मेरा नाम भी बता दीजिएगा भजन। हाँ तो पंडित जी का नाम है, मेरा नाम हुआ श्री भजन पंडा अखिलेश्वर पुजारी। अच्छा ठीक है बाबा जी, जो भी आएंगे आपसे सलाह लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आइए हम जानते हैं आगे के रहस्य। हमारे शिव जी बाबा तो यहीं पर विराजमान पड़े हुए हैं, आइए मिलते हम लोग इनसे भी। देखिए ये हुए जो, आइए यहाँ पे हर मनोकामना आपका पूरा होगा, आप यहाँ पर आइएगा पूजा पाठ कीजिए। और बहुत से लोग तो हमारे लोहरदगा में जानते नहीं है कितना पवित्र स्थान यहाँ पर भी है, तो उस चीज़ को आप आइए जानिए और अच्छे से पूजा पाठ कीजिए। और आगे की चीज़ हम और आपको बतलाते हैं कि यहाँ का नज़रिया भी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये खूबसूरत जगह है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं। यहाँ शादी समारोह की भी व्यवस्था की गई है जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए मेरा पीछे जो है ये शादी का मंडप जो है, वहाँ पे ब्याह समारोह का एकदम व्यवस्था है। तो आप यहाँ पे पूरी अच्छा तरीक़ा से मतलब कि आप ये हैं, ठीक है। तब आइए हम लोग और जानते हैं। देखिए मेरा चारों तरफ देखिए आपको पूरे खूबसूरत ही खूबसूरत नज़ारा लगेंगे आपको, ये सब पहाड़ पर्वत ये सब बहुत खूबसूरत जगह। आप एक बार आइए यहाँ घूमिए, पूजा पाठ कीजिए, इस मंदिर का मतलब बढ़ापा दीजिए, ग्रो कीजिए आप इसको, और इसको लोहरदगा क्षेत्र में नामी का परिवर्तित कीजिए। और इस वक्त मैं मंदिर के ठीक पीछे हूँ, और उसके समीप आपको पीछे का बैकग्राउंड जो दिखा रहा हूँ आपके, यहाँ से आप लोकेशन जो दिखेंगे वो बहुत ही मनभावक लोकेशन है, जो आप यहाँ आइएगा पूजा पाठ कीजिएगा आपको खूबसूरत दिखेंगे, चारों तरफ चट्टान दिखेंगे। तो ये सब आप जानिए, रहिए पूजा पाठ कीजिए, लोहरदगा आइएगा तो एक बार भंडरा प्रखंड में अखिलेश्वर बाबा के नाम पर आप ज़रूर आइएगा। बाकी मेरे तरफ से तो आपको बहुत बहुत भगवान तरफ से मैं दुआ करता हूँ कि आप सब जो वीडियो इस देखेंगे तो आपको और इस चैनल को आगे बढ़ा करके आप जागरूक कीजिए सभी लोग को, है ना। इस वक्त मैं मंदिर में पूजा पाठ कर रहा हूँ, आज सोमवार का दिन है और मैं आया हूँ यहाँ पे, तो ही सोचा कि मैं कुछ आप लोग के लिए यहाँ जानकार हासिल करके लेके जाऊँ, जो इस मंदिर पे कितने दिन के हैं कितने पुरानी वो मैं बतलाया। कि मैं पंडित जी से पूछ करके आपको बताया कि मैं यहाँ कितने दिन पे आया और कितने दिन ये कर रहा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं बाहर रहता तो उसमें आ नहीं पाता, तो यहाँ पूजा पाठ के लिए मैं आया, तो इस समय मैं यहाँ से जानकारी हासिल की है, तो आप उस सबके लिए जानिए, है नहीं। और यहाँ का मतलब कीजिए, पूजा पाठ करने के लिए आइए, यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आपको मिलेगा देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत। तो ये सब जो है बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ पर आइए, कम से कम घूमने के नाम से आइए, श्रद्धालु के रूप से यहाँ श्रद्धा के साथ पूजा करके ही जाइए। बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। भगवान से दुआ करता हूँ कि जो भी मेरे चैनल को देखे उनका ज़िंदगी खुश हो, खुशहाल हो, और हमेशा उनका पालन पोषण भगवान करे।
मैं आपसे दुआ करता हूँ भगवान तरफ से कि भगवान के पास आपकी अर्जी रखता हूँ और आप खुश रहें और बढ़िया रहें, बहुत ही बढ़िया रहें। जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर, जय ओम नमः शिवाय।